वेलकम टू कुकिंग विद बेनजीर। मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप कॉलीफ्लावर, आधा कप गाजर, आधा कप कैप्सिकम, आधा कप मटर, एक प्याज, चार टमाटर, 10 काजू, एक आलू, इसे हमने इस तरह से कट कर लिया है, एक कप पनीर, 5 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च, 8 कली लहसुन, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, नमक, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी के बारे में कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 प्याज, इसे हमें 1 से 2 मिनट के लिए सॉटे करना है। प्याज को हमने 1 मिनट के लिए सॉटे कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 सूखी लाल मिर्चें, 8 से 10 लहसुन की कली, 4 से 5 अदरक के टुकड़े कटे हुए बारीक, 8 से 10 काजू, 4 टमाटर, थोड़ा सा नमक। हमें इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेना है। अब हम इसे लिड कवर करके, फ्लेम को लो करके, टमाटर के अच्छी तरह गलने तक पकाएंगे। दस से 15 मिनट हो चुकी है, टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं। हमने इसे लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट पकाया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे बिल्कुल फाइन। हमने इसे ग्राइंडर में बारीक ग्राइंड कर लिया है। हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कप पनीर बारीक टुकड़े करके। इसे हमें हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए सॉटे करना है। पनीर फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमने जिस ऑयल में पनीर फ्राई किया था उसमें हम बाकी की सब्जियां फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले हम उसमें डालेंगे 1 आलू। इसे हम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हमारे आलू 80% तक फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप कॉलीफ्लावर, आधा कप गाजर, इसे भी हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप मटर, इसे भी पहले हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसे ढक कर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। सब्जियां अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। एक कढ़ाई में हमने ले लिया है 1 टेबलस्पून बटर। इसमें हमने जो मसाला ग्राइंड किया था हम वो डाल देंगे। हम इसे कुछ देर पकाएंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर,
एक टीस्पून जीरा पाउडर, नमक, एक टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, ये सब डाल के हमें इसे कुछ समय के लिए पकाना है ताकि हमारे मसाले जो है वो अच्छी तरह पक जाए। हमने इसे 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप कैप्सिकम, इसे हम 1 मिनट पकाएंगे। अब हम इसमें हमारी सारी वेजिटेबल्स जो हमने फ्राई की थी वो ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी, थोड़ा सा कोथमीर, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारी मिक्स सब्जी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।